सीन कुछ ऐसा हुआ है कि मैं सुबह सो के उठा तो भाई ने बोला कि चलो आईफोन लेने, सॉरी मोबाइल लेने जाना है। तो यार हम लोग मार्केट गए मोबाइल लेने, तो सबसे पहले तो यार मोबाइल ढूंढा, ठीक है। उसके बाद मोबाइल ढूंढते ढूंढते मेरे को वीवो वालों का एक उनका वो प्रमोशन स्टॉल स्टॉल कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रमोशन कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट, मिनी कॉन्सर्ट दिखा ना मेरे को, मिनी कॉन्सर्ट दिखा। तो वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे ना काफ़ी देर से वो लड़की चिल्ला रही थी, बोल रही थी कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा कौन जीतेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो यार काफ़ी ज़्यादा, रश के बाद मैं जैसे ही अंदर गया ना, तो आपके भाई को तो पहले ही बॉलिंग आती है, समझ लो पहले ही बॉलिंग आती है। दो बॉलों में 2 विकेटें ले ली, फिर टॉप 10 में आ गया, फिर एक बॉल पे 1 विकेट ले ली, फिर टॉप 3 में आ गया, फिर 3 बॉलों पे 2 विकेटें ले गया। आपका भाई विनर बन गया, सब में विनर बन गया आपका भाई। ऐसी ऐसी बॉलिंग कराई। तो यार वीडियो कुछ ज़्यादा सही की नहीं है बॉलिंग की, तुम लोगों को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन प्राइस मैं जीत चुका ये मिनियन मिला है मुझे, ये मिनियन स्पीकर है। तो यार ऐसा कुछ सीन था, उसके बाद मैं आया, उसके बाद आके दोबारा चले गए थे। और रात को 5 बजे सुबह में लाइट चली गई थी, तो व्लॉग एडिट नहीं हो पाया, क्योंकि यार तुम लोगों को पता है के इलेक्ट्रिक वाले जो थे वो रिश्ते दे रहे थे रात के टाइम। तो यार पहले वीडियो देखो, उसके बाद मिलते हैं। वेळ लागल्याशिवाय इतिहास घडत नाही। यार गिफ्ट वगैरह जीत लिया है वीवो की तरफ से, और मिनी स्पीकर मिल गया है। इसके अलावा यार अभी चाय चाय चल रही है, चाय पीने के बाद जब हम घर चलते हैं और मैं तुम लोगों को अपने आप को दिखाता हूँ। और हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर। यार आउट्रो है ये, इंट्रो तो नहीं है। और यार आपके भाई ने ले लिया है iPhone X, आपके भाई ने ले लिया है iPhone X यानी 10। तो यार सॉरी, आपके भाई ने ले लिया है iPhone 10s। तो 10s यार आ चुका है फाइनली, विद अपग्रेडेड कैमरा और वीडियो क्वालिटी। तो यार आज के बाद जो होंगे हमारे ब्लॉग्स यार, वो कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि हमारा कैमरा अपग्रेड हो चुका है। और रिसल्ट यही नहीं, इसके अलावा यार हम लोग थक गए थे, रुको
हमारे पास एक पुराना फ़ोन भी पड़ा हुआ है जिसका मैंने नया केस ले लिया है, जो बड़ा सिमेक्सी सा केस लग रहा है। आए हाय 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 आए हाय हाय क्या यार। देखो आईफोन का कैमरा रिजल्ट देखो, सबसे पहले ये देखो, ओए होए 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 64 मेगापिक्सल कैमरा। तो यार आपके भाई ने ले लिया है आईफोन एक्स एस मैक्स, नहीं है ये एक्स एस है क्योंकि साइज़ तुम लोगों को दिख गया होगा। तो यार अब जो होंगे क्वालिटी तुम लोगों को दिख रही होगी, मैं कितना काला दिख रहा हूँ क्योंकि मैं जैसा हूँ मैं वैसा दिख रहा हूँ, ये ब्यूटी मोड का कमाल नहीं है। तो यार अब जाएंगे अपन लोग टूर पे, कहीं टूर पे भी जाएंगे, बहुत सारी जगहों पे जाएंगे हम लोग, बहुत 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 फुल सीन ऑन होने वाला है ना। अब हमारे पास अच्छा कैमरा आ चुका है, क्योंकि यार मैं सोच रहा था कोई अच्छा सा GoPro या DSLR वगैरह ले लेकिन उसमें लेंसेज के बड़े लॉन्च होते हैं। तो यार मैंने सोचा क्यों ना सिर्फ यही लिया जाए, एक चीज़ ली जाए बड़ी सॉरी सुमैक्सी किस्म के ली जाए। तो यार ये मैंने ले लिया है, आई मीन ख़रीद लिया है लिया नहीं है ख़रीदा है ये मैंने। और यार सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अब हमारे सिनेमेटिक्स व्लॉग्स आ जाएंगे। यार तुम लोग देख रहे हो इस टाइम मुझे कितना पसीना आ रहा है, मेरी हालत बुरी हो रही है। मैं सुबह से निकला हुआ हूँ आईफोन लेने के लिए, उसके बाद फिर जो है हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करी हैं आज। और जो हम लोग गिफ्ट जीत के आए हैं सबसे पहले मैं तुम लोगों को वो दिखा रहा हूँ। और लेकिन एक मिनट, उससे पहले यार मुझे बहुत ज़ोर से वाशरूम जाना है पेशाब करने। पहले 3 hours later तो यार हमारे को मिला है स्कैनर। तो सबसे पहले जब सामने से देखते हैं तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कैमरा एंड म्यूज़िक और मिनी वी स्पीकर, वी यानी वीवो, इसके ऊपर आँखें वगैरह भी बनी हुई हैं। बाकी जो है इसमें ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस ये सब लिखा हुआ है, फुटबॉल लिखा हुआ है और ये सब लिखा हुआ है। तुम लोग वीडियो रोक के पढ़ सकते हो। तो आओ यार ये सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। तो हमारे को वीवो वालों ने लिया है सबसे पहले, इसके अलावा इसके नीचे भी कुछ है नहीं, खाली है। तो यार हमें मिला है, काफ़ी भारी है, अच्छा खासा खिलौना समझ रहा था। तो यार इसके अंदर अच्छा USB है और ये है, सही है। इसको सबसे पहले चेक करते हैं, रुको। अब मुझे ये भी नहीं पता ये स्पीकर जो है ब्लूटूथ वाला है या नहीं, सबसे पहले इसको प्लग इन करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, उसके बाद देखते हैं इसमें से क्या निकला है। ये हेडफोन निकालो, ये USB लगाओ और ये हेडफोन लगाओ। ओ वाओ आँखें तो जल गई हैं इसकी, आँखें हल्की फुल्की जल गई हैं अभी। उसके ऊपर जैसे डब्बे पे आंखें बनी हुई हैं वैसी आंखें नहीं निकली, बाकी आंखें तो निकल गई हैं। चलो इसकी आवाज़ वगैरह भी सुनते हैं। इसके ऊपर कैमरा भी लिखा होता तो कैमरा, यार मेरे को नज़र तो नहीं आ रहा कैमरा कहाँ है इसका। ये वॉल्यूम रॉकर है इसका, इसके अलावा ये कोई बटन है शायद। चलो चेक करते हैं इसकी आवाज़ सुनते हैं सबसे पहले। वाओ मेरी लाइफ में मसलों की कमी नहीं है, मनी ऐन अ प्रॉब्लम समझ लो, मसला तो ये कि मेरे पास अभी खेल लगता हूँ मैं गेम ऑन गेम ऑन अपनी गेम ऑन अलग सोच अलग सोच अपने एम ऑन गेम ऑन अपनी गेम ऑन अलग लेन अलग वाइब अपनी गेम ऑन गेम ऑन अपनी गेम ऑन अलग सोच अलग सोच अपने एम ऑन गेम ऑन अपनी। यार जो बात है चीज़ तो वर्थ है, आवाज़ इसकी मैंने ऐसी एक्सपेक्टेड नहीं करी थी जैसी इसकी आवाज़ है। मेरे पूरे रूम में इस टाइम इसकी आवाज़ गूंज रही है, मेरे साउंड सिस्टम को अगर कोई मतलब इनको टक्कर तो नहीं दिए, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज कंपेटिटर है इस हिसाब से, जिस हिसाब का इसका साइज़ है, इतना बड़ा ये होम पॉड है, लेकिन वर्थ है यार। तो थैंक यू वीवो, और पार्टिसिपेट मैंने करा था तो मैं जीता हूँ, थैंक यू किस बात का, खैर फिर भी थैंक यू क्योंकि उसने दिया है। तो यार रात के 3 बजे मेरे आईफोन में चार्जिंग नहीं है और मेरी जो पुरानी लीड थी वो मिल नहीं रही। मैं रात को 3 बजे के टाइम, ये देखो 2:30 बजे के टाइम, 2:30 मैं गया नई लीड लेकर आया, ये रही आईफोन की। तो भंड क्या हुआ
लीड में लेकर आया टाइप सी वाली, लाइटनिंग टू टाइप सी ले आया मैं। अब मेरे पास टाइप सी वाला चार्जर नहीं है, मेरे पास यूएसबी वाला चार्जर है। अब मैं क्या करूँ, रात के 3 बज रहे हैं और फ़ोन में चार्जिंग नहीं है और एडिटिंग करनी है अभी। ये टाइप सी तो मेरे पीसी में भी नहीं लगी हुई, मेरे पास वो कनेक्टर भी नहीं है। देख लो यार, ऐसे भंड होते हैं, ऐसे भंड पे भंड होते हैं मेरे साथ। चलो कुछ करते हैं, जुगाड़ लगाता हूँ मैं। यार मैं ये दोबारा जाके लाया हूँ यूएसबी वाली, क्योंकि वो मेरी नहीं मिली। यूएसबी जो लाइटनिंग लेकर आया हूँ वो वाली मेरी बेकार हो गई है। हाँ लेकिन काम आ जाएगी कभी ना कभी, तो इस वजह से मैंने रख लिया। इसके अलावा यार मेरा कमरा कितना फैला हुआ है। सबसे पहले मैं अपना आईफोन चार्ज पे लगाऊँ ताकि फिर मुझे व्लॉग भी एडिट करना है। यार 3 बजे व्लॉग एडिट करने बैठूँगा तो 4-5 बज जाएंगे। सबसे पहले इसको खोल के लगाते हैं आईफोन को चार्ज पे ताकि व्लॉग एडिट करें। फिर फाइनली आईफोन तो चार्ज पे लग चुका है और इसमें हो रही है चार्जिंग। बाकी यार कचरा देख सकते हो तुम लोग, कितना कचरा कमरे में हो रहा है यार। पहले इसकी सफाई वफाई करते हैं, सारे तार वार पहले में। 3 hours later जिनसे मैं तंग आ चुका था, मतलब बाहर घूम रहा था, और अब जाके मैंने सोचा था कि यार चलो अब रात को 5 बजे एडिटिंग करके व्लॉग डाल के सो जाऊंगा, कल आराम से उठूंगा संडे। लेकिन मुझे क्या पता कि के इलेक्ट्रिक वाले अभी बाजी देंगे अपनी। अब देखो के इलेक्ट्रिक वाले रात के, ये मेरे हाथ में तकिया है, मैं सोने जा रहा हूँ। के इलेक्ट्रिक वालों ने रात को रिश्ता ही दे दिया। अबे भाई नहीं चाहिए तुम्हारा रिश्ता, नहीं चाहिए तुम्हारी आप ही का रिश्ता, लेकिन रात के 5 बजे लाइट चली गई, उन्होंने रिश्ता भेज दिया। सर क्या करूँगा, अब व्लॉग लेट हो जाएगा। आज का व्लॉग सुबह ही आएगा, अब जब लाइट आएगी, मतलब लाइट तो आ जाएगी, मैं सोने जा रहा हूँ, तो यार अब व्लॉग इस वजह से लेट है। क्योंकि यार देखो ना, के इलेक्ट्रिक वाले, मुझे नहीं चाहिए के इलेक्ट्रिक का रिश्ता यार। अहले पाकिस्तान का शुक्रिया जिन्होंने मुझे नशई शराबी आइस काजी और तमाम तर इल्जाम का ताज पहनाया। मैंने इस बार ये नहीं सोचा था कि मैं शादी कर रहा हूँ, मैंने सोचा था कि मैं किसी को सहारा देकर कुछ तो अपने गुना माफ करा दूंगा। जियो ने लिखा मुझे मैं शैतान हूँ, एक्सप्रेस ने लिखा मैं एक बदकिरदार हूँ। क्या लखानी साहब मेरा किरदार नहीं जानते हैं? मैं हजारों लड़कियों के दरमियान रहते हुए भी मैंने उन पर कभी हंसी डाली थी? जो मैं सोच रो रहा ऐसी रोती भी कुछ इब्राहिम की वीडियो थी, मैंने आज तक किसी के सामने लेकर नहीं आया। मैं नहीं मारता किसी, इसको कभी नहारी नहीं खिलाई थी, मैंने इसको नहारी खिलाई। कैसी जब गाँव के लोग नहीं खाए, मैंने इसको सब चीजें खिलाई।